आखिर में तो तुम लोगों को पता है कि अब्बा नहीं माने। अक्सर लोग आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हमें मोहब्बत में धोखा मिल गया, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी। तो दर हकीकत वो आपकी सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती है, या फिर उनसे होती है जो रिश्ते अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए, यानी माँ बाप, भाई बहन, या जो भी जायज़ रिश्ते अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए हैं। इसकी अभी एक छोटी सी मिसाल दूँ मैं आपको, कि मैं आपको इस कमरे में छोड़ देता हूँ और मैं बोलता हूँ इस कमरे की चार दीवारें हैं, इसमें से आपको किसी एक दीवार के पास भी नहीं जाना, क्योंकि एक दीवार में करंट है, एक में कांटे हैं, एक में आग है और एक में ख़तरनाक कीड़े हैं। अब मेरे मना करने के बावजूद आप उस किसी भी एक दीवार की तरफ जाते हैं और आपको नुकसान हो जाता है, तो इसमें कसूर किसका है, आपका या मेरा? यकीनन आपका, क्योंकि मैंने तो आपकी हदूद आपको बता दी थी कि आपको इतनी हदूद में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी हदूद हमें बता दी, अब उसको हम पार करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं, तो नुकसान हमें होता और फिर अल्लाह ताला को कसूरवार ठहराते हैं या फिर किसी को भी ठहराते हैं ज़्यादातर। तो गलतियां हमारी ख़ुद की अपनी होती हैं। अब उसके बाद आखिर में तो सब आपको पता ही है, आखिर में तो तुम लोगों को पता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो बस अब इसी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को इसके जो मेरी चाहत है, तो दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा इसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। बस हमें अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे चलना चाहिए और उसकी हुक्म की तकमील करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होता है। तब ये तो हम खुद लिमिट क्रॉस करके, गलतियां करके अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। उसको क्या नुकसान है, कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर हम नमाज ना पढ़ें तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है, हम रोज़ा ना रखें तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है। ये तो सब चीज़ें हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए रखी है, उसने बता दी है, हम उसके बताई हुई चीज़ों पे अमल नहीं करते तो हमें नुकसान हो जाता है।